2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का बहुत महत्वपूर्ण आह्वान दिया, जब कहा कि हमने बुनकरों के लिए कुछ विशेष करना आवश्यक है, तो आप देखेंगे गत 7 वर्षों में बहुत तेज गति से ये क्षेत्र की पहचान देश भर में बनी है। लेकिन मुझे बताया गया कि इन सब प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के साथ इतनी तीव्र जुड़ी होने के बावजूद अभी भी इस क्षेत्र में हम सिर्फ 2500 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात करते हैं। आवर एक्सपोर्ट इज अबाउट 2500 करोड़, उत्पादन लगभग 60,000 करोड़ रुपए का होता है, और मैं समझता हूं अब इसको बदलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं कि हम तुरंत इसको कैसे दुगना किया जाए, 60,000 करोड़ को कैसे 1,25,00,000 करोड़ तक हैंडलूम सेक्टर के उत्पादन को बढ़ाया जाए। और उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि डिमांड बढ़ाना, जब तक खरीदार नहीं होगा तो उत्पादन क्या करेगा। तो साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा इसकी मार्केटिंग कैसे हो, इस उत्पादन को बेचने के नए ठिकाने देखने पड़ेंगे, नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अभी अभी बहन ने कहा कि जेम पोर्टल पे भी अब हमारे कई सारे, शायद मैंने सुना 1.5 लाख बुनकर जुड़ गए हैं जेम पोर्टल पर। लेकिन और नए नए तरीके हमने खोजने पड़ेंगे कैसे इसको उत्पादन को दोगुना किया जाए, और साथ ही साथ जो इसका निर्यात है, एक्सपोर्ट है, जो 2500 करोड़ रुपए पे कई वर्षों से रुका हुआ है। वैसे जब मैं उठा था अपनी कुर्सी से, मैंने सोचा था 3 गुना बोलूं, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 गुना 7,500 करोड़ कुछ बनता नहीं है, $1 बिलियन बनता है, पर वो $1 बिलियन तो विदेशी है, हमें तो स्वदेशी सोचना है। तो 10,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट टारगेट, निर्यात का टारगेट, लेट अस टुडे ऑल ऑफ अस रिजॉल्व कलेक्टिवली ऑन दिस 7th National Handloom Day दैट वी विल गो फॉर अ 10,000 करोड़ रुपी टारगेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड अ टारगेट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन टू 1,25,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स।